बुद्ध के समय में जो एजुकेशन का सिस्टम था वो बड़ा ही अलग तरह का सिस्टम था, मगर जो बाद में बुद्ध ने एजुकेशन का सिस्टम बनाया वो दुनिया का सबसे नायाब, सबसे खूबसूरत, सबसे सस्ता, सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बढ़िया और अनबीटेबल, आज तक की एजुकेशन की जितनी टेक्निक हैं उनमें आज भी वो सिस्टम अनबीटेबल है। इसलिए अनबीटेबल है, इसलिए अनकम्परेबल है, उसकी तुलना नहीं हो सकती इससे भी, कि आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं। घर उस समय क्या होते थे, जंगलों में बीच बीच में मकान बने हुए, ना सड़क, ना खरंजे, ना लाइट, ना बिजली, ना पानी, यहाँ तक कि अक्षर भी नहीं। और आपको एक चलती फुरती मोबाइल यूनिवर्सिटी जिसमें 10,000 टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और 20,000 टीचर्स प्रोफेसर हैं, और वो आपके दरवाजे पे आके एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, और वहाँ वो कहते हैं कि आइए हम आपको पढ़ाने आए हैं, आप आके पढ़िए, और आपकी पढ़ाई का कोई पैसा नहीं, फीस का कोई पैसा नहीं, और हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम जिंदा रह सकें, हम मरे ना, बस इतना चाहिए, और सबको समान और सबको एक सी, और सारी शिक्षा वो जो देश के हित में है, जो मनुष्य के हित में है, जो उस वहाँ के जीव जंतु हैं उनके हित में है, और जिससे कि देश के अंदर खुशहाली बढ़नी शुरू हो गई, प्रॉस्पेरिटी बढ़नी शुरू हो गई, समृद्धि बढ़नी शुरू हो गई, और देश खुशहाल होता चला गया। ऐसी यूनिक सिस्टम, ऐसी यूनिक एजुकेशन, ऐसी अद्भुत एजुकेशन सिस्टम को भगवान बुद्ध ने डेवलप किया भारत में, और सैकड़ों स्कूल और कॉलेज और बाद में यूनिवर्सिटियाँ भी बनी। ये बड़े कमाल की बात है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने 29 साल तक अपने घर पे रह के एजुकेशन हासिल की, सिक्खा बोलते थे पाली में, सिक्खा हासिल की, तो सिक्खा आसपास के वातावरण की, आसपास की चीज़ों की, आसपास के ज्ञान की, जीव जंतुओं के ज्ञान की, प्रकृति के ज्ञान की और शरीर के ज्ञान की, ये उन्हें बताई जाती थी जो परंपरागत रूप से चल रही थी। मगर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यानी सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध बने, जो बच्चे थे उस समय, उनको उस शिक्षा में कुछ ऐसा लगा कि ये पूरी नहीं है, पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया कि जाके वो जहाँ रेजिडेंशियल स्कूल हैं वहाँ जाके पढ़ सकें, जिनको आश्रम बोला करते थे। तो 6 साल तक वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तीसरे स्कूल, जो लोगों ने वहाँ बना रखे थे, जो उसके टीचर थे, गुरु थे, मगर सारी एजुकेशन 6 साल तक लेने के बाद भी उनको एहसास हुआ कि कहीं कुछ बाकी है जो कंप्लीट एजुकेशन में नहीं आता है, क्योंकि दुख नहीं जा रहे लोगों के दुख दूर नहीं हो रहे, उनकी गरिमियाँ दूर नहीं हो रही हैं, वो परेशान हैं, वो माइंड से बंधे हुए हैं, उनमें भय है, उनमें क्रोध है, निकलना चाहिए, खुशियाँ आनी चाहिए, ऐसा सोच के उन्होंने कहा कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी टेक्निक डेवलप करनी शुरू करी, और उन्होंने चूँकि जितने भी उन्होंने अभ्यास सीखे थे बॉडी को जानने के, और जितने भी उन्होंने अभ्यास किए थे बॉडी से बॉडी को समझने के, वो सारे उन्होंने छोड़ दिए और नए तरीके का डेवलपमेंट करना शुरू किया, और वो उसमें सफल हो गए। सफल होने के बाद में उन्होंने जो सीखा वो बड़ा ही कमाल का और बड़ा ही मज़ेदार है। वो अपनी बॉडी में उतर गए, और उतरने के बाद में अपनी बॉडी के पार्ट्स को देखते 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 लास्ट बिंदु, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उस समय उन्होंने बता दिया था कि ये कैसे वाइब्रेट करता है और कैसे काम करता है। वो सारे एक एक अणुओं को समझने के बाद में उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया कि बॉडी कैसे काम करती है, शरीर कैसे काम करती है। शरीर को पाली में रूप बोलते हैं, और जो इसको चलाता है, जो उसका ड्राइवर है, जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का वेट नहीं होता, मगर जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे उसमें कंप्यूटर चलेगा नहीं, चाहे आपका कंप्यूटर कितना ही बढ़िया सही। ऐसे ही मनुष्य को, शरीर को चलाने के लिए प्रकृति ने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर मॉडिफाइड होता रहता है, चलता रहता है। उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने खोजा और उसको उन्होंने मॉडिफाई करना सीख लिया, उसको कमांड करना सीख लिया, उसमें जो वायरस थे उनको डिलीट करना सीख लिया, यहाँ तक कि वो वायरस डाल भी सकते थे, यानी वो पूरे मैकेनिज्म को समझ गए। और समझने के बाद में जो शरीर था, जिसको पाली में रूप कहते हैं, उन्होंने कहा इसको मन चलाता है, मन इसका ड्राइवर है, मन इसका सॉफ्टवेयर है, मन इसका अगुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। तो पहली बार दुनिया में किसी ने बताया कि मनुष्य और जीव का ड्राइवर कौन है, चलते कैसे हैं वो, यानी उनको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो उनके अंदर ही निहित है, उनके अंदर ही है, और वो अटैच है, मटेरियल से अटैच है, यानी कि जो माइंड है वो फिजिकली बॉडी के पार्ट से अटैच है और उनके साथ रह देता है। थोड़ी सी लंबी है अभी, धम्मे में पूरा पूरा ये दिया हुआ है।
मगर हम यहाँ बात एजुकेशन सिस्टम कर रहे हैं, तो उस एजुकेशन को जानने के बाद में उन्होंने 49 डेज तक जहाँ एजुकेशन को उन्होंने सीखा जाना अपने आप इनर स्पेस बॉडी में उतर के देख के और वातावरण से प्रकृति से, तो 49 डेज यानी 7 वीक्स तक वो उसको रिवाइव करते रहे, उसको चेक करते रहे कि ये जो मैंने एजुकेशन ली है ये ठीक है या नहीं है। क्योंकि चेक कैसे करते रहे, वो एजुकेशन को उनसे पहले या उनके आसपास में जो लोग थे वो किसी के पास थी नहीं, तो उसे चेक कौन करे? जो सबसे हायर एजुकेशन है उसका मास्टर ही नहीं है, उसे पढ़ाने वाला नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, तो उनको खुद ही चेक करना पड़ा। जब उन्होंने चेक कर लिया और ये देखा कि हाँ ये एजुकेशन मेरे पास आ गई और मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो उन्होंने फिर इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को, इस शिक्षा को लोगों को देने का मन बनाया और जीवन भर 45 साल तक वो देते रहे। तो उन्होंने बड़े नियम बनाए इसके, क्योंकि शिक्षा देते समय नियमों की जरूरत पड़ती रहती, विनय पीटक में बड़े सारे नियम भरे पड़े हैं। तो उन्होंने चलती फिरती मोबाइल यूनिवर्सिटी बनाई, 7-8 महीने जब मौसम अच्छा रहता था तो वो मोबाइल करके एजुकेशन दे देते थे, यानी जो जिसको वो एजुकेशन देते थे वो एजुकेशन में उनके साथ जुड़ जाता था, फिर वो आगे एजुकेशन देता था उसको जगह जगह, जहाँ जहाँ वो जगह साफ करके स्कूल बनाते थे या यूनिवर्सिटी बनाते थे उसको बिहार बोलते थे, और मगध के आसपास में, राजगीर के आसपास में, नालंदा के आसपास जो जगह हैं वहाँ तो उन्होंने इतने बिहार बनाए कि उस प्रदेश का क्षेत्र का नाम ही बिहार पड़ गया, उसे आज भी बिहार ही कहते हैं। बिहार का मतलब यूनिवर्सिटी, मोनेस्टी, बुद्ध बिहार, स्कूल, कॉलेज, इसका मतलब ये होता है। तो वो जो एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने मोबाइल का किया, वो मोबाइल का विश्व में यूनिक है, अद्वितीय है, ऐसा आज तक भी नहीं है। यूनिवर्सिटी आपके घर चल के आए, फ्री में आए, सबको एजुकेशन दे, ये कहीं नहीं है। और 3-4 महीने वो रेजिडेंशियल देते थे, यानी जो टीचर्स होते थे, जो भिक्खू होते थे जिनको आगे पढ़ाना होता है, उनको वर्षावास यानी वर्षावास रेनी सीजन में जो रेनी डे होते थे, यानी जो आज के टाइम में अगस्त सितंबर अक्टूबर है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 4 महीने, 3.5 महीने, 3 महीने से लेकर 4 महीने तक उसको वो एक जगह रुक के रेजिडेंशियल रूप में देते थे और सब लोगों की एजुकेशन को परिपक्व करते थे, पूर्ण करते थे। ऐसा उन्होंने पहला टीचर्स का जो ग्रुप बनाया, जिसको संघ बोलते हैं, जिसको भिक्खु संघ बोलते हैं, टीचर संघ या क्या बोलते हैं, सिक्खा संघ बोलते हैं, वो पहला उन्होंने सबसे पहले अपने पहले वर्षावास में काशी बनारस में बनाया, जिसमें 60 लोग थे, तो इसको 60 भी बोलते हैं। और कई लोग कहते हैं बाद में इसकी चिड़ बनाई गई, क्योंकि जब धम्म को ख़त्म किया कि भाई आप सठिया गए, तो सठियाना का मतलब है वो जो 60 लोगों का ग्रुप बना था उससे साठा या सठियाना बनता है, ऐसा करके उन्होंने बताया। ये सारे के सारे जितने भी उन्होंने चेंजेस किए, वो चेंजेस इतने कमाल के रहे कि पूरा भारत पड़ गया एजुकेशन के लिए डेवलप पे। और उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ईरान से लेके और आगे तक जितना भी रूल था वो सारा का सारा ईरान से लेके और अफगानिस्तान तक और इधर बर्मा तक सारा सारा बौद्ध में वातावरण था। तो टीचर्स दूर दूर तक गए और उन्होंने वो एजुकेशन फ्री और इक्वल और कंप्लीट एजुकेशन दी। वो परंपरा आज भी कायम है, बहुत सारे लोग आज भी इस काम में लगे हुए हैं, जिनको भिक्षु बोलते हैं, मंक्स बोलते हैं, या जो अनागारिक हैं या जो ग्रस्त लोग हैं वो भी पढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसी बहुत यूनिवर्सिटियाँ जो आज भी बड़ा अपना नाम कमाती हैं पूरे विश्व में, क्योंकि भारत में एजुकेशन की विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियाँ भारत के अंदर ही डेवलप हुई हैं सबसे पहले, और भारत एजुकेशन के सिस्टम में सबसे ऊपर था। वो एजुकेशन का सिस्टम यूनिक था, इसमें नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, मथुरा है, मथुरा में तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और कहते हैं कि मथुरा क्या बोलते हैं आसपास के पूरे एरिया का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। इसको महाथेरा या मथुरा करके फेमस करते हैं। एक थनेसर है, थेराओं का शहर, जो आज की डेट में जिसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं, वहाँ एक दबा हुआ बुद्ध विहार है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही है वो दबा बुद्ध विहार, उसके अवशेष हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही है जिसको कहा है। उदंतपुरी है, सोमपुरा है, सिरपुर है, जगदल है, वल्लभी है, और पुफगिरी है, मुसीगंज है। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ तो बड़ी फेमस रही हैं, इसके अलावा और भी हैं, पूरे देश के अंदर बिखरी पड़ी हैं। तो ये सारा सिस्टम जो मोबाइल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, ये यूनिक है। इसकी आज भी ज़रूरत है कि घर घर जाएँ, लोग पढ़ाएँ पढ़ाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। जो एजुकेशन भगवान बुद्ध ने दी है वो कम्प्लीट है, मॉडिफाइड है, आज भी चल रही है, और दुनिया में जब तक मनुष्य रहेगा वो चलेगी। धन्यवाद।